जाना, शिवालय तक जाना, शंकर की आराधना करना, मंत्र का जाप करना, स्मरण करना, दूसरा शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना, और तीसरा कहीं शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शिव का उपासक मिल जाए, उसकी सेवा कर ले। कितना सुंदर कहा है, शिव महापुराण में कहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में, सात्विकता के में जीने वाले ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पत्नी दोनों अवश्य पाना, उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम रुका जी वाला, और साथ में ये प्रयास करो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण का, देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे और एक बूढ़ी माँ ने, ज्यादा बूढ़ी नहीं कह सकते, एक माँ ने नारद जी के चरण पकड़े, और माँ ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आप तो देवऋषि नारद हो। नारद जी बोले, हाँ नारद जी आप देवऋषि नारद हो, मेरे मन की एक बात है, मैं आपसे कह सकती हूँ। नारद जी ने बोला, क्या बात है, बोलो क्या बात कहना चाहते हो। नारद जी बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है नारद, मेरे घर में औलाद नहीं है नारद, मेरी उम्र निकलती जा रही है, तुम एक बार नारायण से जाकर कहो ना कि मेरे यहां संतान दे दे। मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद जी ने कहा मैं पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके यहां संतान कब होगी। नारद जी श्रीमन नारायण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए। नारद जी जब बैकुंठ में गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी की दृष्टि नारद जी पे पड़ गई। जैसे ही लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण भी उठकर बैठे, देवऋषि नारद को देखकर आदर करा, सम्मान करा, बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोलते हैं, आज तुम एक पृथ्वी पर मृत्यु लोक में एक माँ है, उसके घर में संतान नहीं है, बस उसके लिए आपके पास आया हूं। उस माँ ने कहा मेरे यहां संतान कब होगी, आप भगवान से पूछ कर बताना। इतने में नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन माँ ने प्रश्न किया, और नारायण ने कह दिया इसके यहां संतान का सुख साथ नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं हो सकती, इसके यहां संतान नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं है। इसके यहां संतान का सुख नहीं हो सकता, इसके यहां कभी औलाद नहीं हो सकती। देवऋषि नारद सुनकर पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर आने के बाद देवऋषि नारद को वो माँ फिर मिली, और माँ ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आपने नारायण से पूछा कि मेरे यहाँ औलाद कब होगी, संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, माँ तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, तेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती, तेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है। माँ धाड़ कर रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगा, खूब रोई। अब उसका एक नियम बन गया, संतान हो नहीं रही है, दुखी है और रोती है, आंख से आंसू बह रहा है, रो रही है। जब एकदम दुख आ जाता है ना तो व्यक्ति रोता है। एक पत्र आया है, इस पत्र में लिखा, देखिए, मैं ज्योति सोनी
निवासी बड़ा महुआ, सही है, बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं ज्योति सोनी, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिला दो। मैं ज्योति सोनी निवासी बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटे जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे ससुर जी को कैंसर हो गया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, तब हम उनको सब जगह दिखा कर ले आए और ऑपरेशन का कह दिया। ससुर जी की उम्र भी थी गुरुदेव, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि ठीक हो ना हो। कई थेरेपी का बताया, कीमो का बताया, तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, एक बार सुनो। हमने कथा सुनी, उसमें रुद्राक्ष का विवरण आपने कर दिया कि सियोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। मेरे पति ने सोचा कि हम सीहोर जाएंगे और वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर भी उठा लाए। भोले बाबा का वर्णन करें गुरुदेव, रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाते लाते, ससुर जी को पिलाते, पानी शंकर का देते, बेलपत्र देते। बाबा का हम क्या गुणगान करें। दूसरी बार हम जब ऑपरेशन के लिए जांच कराने के लिए गए और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, 7 दिन ही मात्र हुए थे, आप पत्र में पढ़ सकते हो, 7 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले गए और कई डॉक्टरों ने उनकी फिर जांच करना प्रारंभ करी और डॉक्टरों ने, जिन सारे डॉक्टरों ने कहा था कैंसर है, उनकी सारी जांच नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। इसलिए मैं यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र है। बेटा ठीक है, ससुर जी ठीक है, आप बैठिए। हर हर महादेव, शिव तत्व इसी को कहते, शिव की भक्ति इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। आप अगर उससे विनती कर रहे हो तो वो सुनेगा। देखो गर्मी बहुत तेज है कि नहीं, बोलो बोलो जम के बोलो, है ना। हम तो यहाँ एसी में बैठ जाते हैं, इतना महसूस नहीं होता, पर आप लोगों की स्थिति देखकर महसूस होता है। जब यहाँ आते हैं तब महसूस होता है, गर्मी बहुत तेज है, अपार गर्मी है, उमस पानी की भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है। आप लोग इतना जैसे एक भट्टी के अंदर लोहे को तपाया जाता है और उसका कुछ बनाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, आप लोग हिम्मत मत हारना, मेरा बाबा भी तुम्हें तपा कर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, ये निश्चित। हम मानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अपार गर्मी, ऐसी गर्मी तो हमने बिहार में भी नहीं देखी, इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, हम मान रहे हैं सब चीज। और आप लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही, पूरा पुष्कर मेला ग्राउंड, पुष्कर मेला क्षेत्र, मेले में भी जो मेला नहीं भरा है वो तुमने भर दिया दादा, बहुत साधारण नहीं छोड़ेगा। माना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर संभालेगा। बोल बम का नारा है बाबा, एक वो संभालेगा, आप हिम्मत मत हारो, आए हो ना, हिम्मत नहीं। आज अपने को लग गया कि गर्मी तेज है तो कल अपने साथ चलो तो थोड़ा सा पानी की बोतल में ही ग्लूकोज वगैरह घोल कर 2-4 टॉफियां लेकर चूसने के लिए अपने बैग में लेकर चलो, आसपास वालों को भी देते चलो। मुख झूठा जरूर कराना, बाबा भंडार ऐसा भर देगा कि जिंदगी भर खाली नहीं। करो उसे नारद के शब्द सुनकर वो मां रो रही है,
मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं हो, संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता तब जगह जगह से जब हार जाओ तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था, 60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं। यशोदा जी की मां पाटला देवी, क्या नाम था, पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा जिसके यहां औलाद नहीं, कहां जाऊं। पाटला देवी सब दूर गई, अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था मेरे जी उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। कभी कभी पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी जाए ना तो तुम ये मत सोचना कि कुछ विघ्न आ गया हो। शुभ मुहूर्त देखकर घर से चलो ना चलो चलेगा, पर शंकर जी का मुख देखकर चल दो तो मुहूर्त भी शुभ हो जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करकर, शंकर के शिवलिंग का मुख देखकर, शंकर के शिवलिंग का दर्शन करकर, शिखर का दर्शन करकर, नंदी का दर्शन करकर, शंकर के मंदिर का दरवाजा अपने यहां से नियम बना लो, मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो शंकर जी के मंदिर के सामने से जाऊंगी, मेरे गांव से बाहर निकलूंगी तो शंकर के मंदिर के सामने से निकलूंगी। उसके दरवाजे से निकल कर जाना, उसकी चौखट के सामने से। शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकलो ना निकलो, पर महादेव का दर्शन कर कर निकलना तो मुहूर्त भी शुभ होता चले जाएगा। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए, मुहूर्त शुभ। पाटला देवी का वो जो जल का पात्र था वो बूढ़े बाबा ने गिरा दिया, पाटला को गुस्सा नहीं आया, पाटला ने जल फिर यमुना जी में से भर लिया, यमुना जी में से जल भरा, जल फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर गिरा दिया। एक बार व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार फिर कर। एक पत्र आया है, छोटा सा पत्र है, बीनू कुंवर जोधपुर से आई है। बीनू कुंवर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो, हाँ ऐसे हाल, तीनों परिवार की हैं, हाँ हाथ हिला दो एक से एक बार। बीनू कुंवर जोधपुर से हैं गुरु जी, एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं, मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, पशुपति व्रत करा एक बार बेटे का नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार पशुपति व्रत करा बेटे ने भी करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया और रेलवे की नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत बेटी है, हर हर महादेव। हिम्मत नहीं हारना, एक बार में नहीं हुआ ना, तुम सोच लो कि भाई मैं मंदिर जाती थी और मेरा काम नहीं हुआ, मैं जल चढ़ाती थी मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने मैंने देखा मेरा काम, ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट नहीं छोड़ना, उसका दरवाजा नहीं छोड़ना, उसके द्वार जाना नहीं छोड़ना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, उससे लगन लगा लो। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर रूप में थे, परीक्षा लेते रहे, फिर कह दिया पाटला तेरी बेटी यशोदा के यहां संतान का सुख नहीं है, पर एक काम कर, सावन का महीना है, सावन की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि
जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्ण है, मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के, तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भाव। और जो आशीर्वाद दिया पुत्र भाव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा, मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहां संतान होगी। संतों ने कहा, हम शंकर के भक्त हैं, शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है, खाली नहीं जाता, बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ, चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये शिव कृपा, ये उसकी उदारता, ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब चिंता का विषय है ना, बूढ़ी मां रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा, कहे ना, जो कोई डमरू वाला करता है, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है, खाली रही झोली वो ही तो भरता है, जो कोई नहीं करता।